उसने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, पूरा देश का मुसलमान विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा। देखिए रामगिरी महाराज एक्चुअली में इस वक्त जो कुछ इसलिए बोल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं और एक हिसाब से वो बीजेपी का और शिवसेना का रास्ता बना रहा है। जब जब इलेक्शन का टाइम होता है किसी न किसी पाखंडी को बीजेपी उठाती है, मुसलमानों को गाली दिलवाती है और पूरा मुद्दा ही डाइवर्ट हो जाता है। तो पहले तो हमारे देश के हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि रामगिरी महाराज हिंदुओं का भला नहीं चाहता बल्कि वो हिंदू समाज का दुश्मन है जो देश को बांटना चाहता है। रहा सवाल जो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है, उसने कहा कि आज वसलम ने 6 साल की लड़की से शादी की, उनका चरित्र ख़राब है नऊज़ बिल्ला, उन्होंने कहा कि वो बहुत हिंसक टाइप के व्यक्ति थे, या ऐसे बड़े बड़े उन्होंने वर्ड का चयन किया और अपने हिंदू समाज को इस बात पर उकसाने की कोशिश की है कि इसीलिए मुस्लिम समाज इतना हिंसक है और इतना ख़राब है। जबकि इसका सहल जवाब तो यह है कि रामगिरी महाराज के अंदर ज़रा सा भी ताकत है, उनके अंदर इल्म है, उनके अंदर अगर एडुकेशन है और वो डिबेट करना चाहे तो मुझसे 1-to-1 मुकाबला कर ले, मैं साबित कर दूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी, उनका चरित्र और उनका जो कुछ भी है वो कुछ भी हिंसक नहीं है, सब कुछ इंसानियत के हित में है। उनकी शादी हाँ 6 साल की माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई है, हम मुसलमान माँ कहते हैं, नबी की जो बीवी होती है उसे माँ कहा जाता है, उन्होंने 6 साल की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की लेकिन उनकी विदाई 9 साल में हुई है, लड़की खुश है शादी के बाद भी, 10 साल बाद भी, यहाँ तक कि वो लड़की जिसका आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि उनकी शादी 6 साल में हो गई, भाई वो लड़की मरते दम तक कहती रही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन इंसान थे और वो खुशनसीब थे कि उनके ऐसे व्यक्ति से शादी हुई है। तो अगर लड़की शादी करके खुश है, लड़की के माँ बाप खुश है, पूरा संसार खुश है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई एतराज़ नहीं, तो तुम कौन होते हो और एतराज़ करने वाले? दो शख्स है, दो अगर एक लड़की और एक मर्द अगर मोहब्बत करना चाहे, चाहे वो जिस कास्ट लेसन जो भी हो, अगर उनको एतराज़ नहीं, उनके माँ बाप को एतराज़ नहीं, तो आप कौन होते हो ऑब्जेक्शन करने वाले? तो ये ऑब्जेक्शन ही उनका गलत है। जहाँ तक चरित्र की बात है और हिंसक होने की बात है तो याद रखें कि इस्लाम दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के एक वाहिद ऐसे पैगंबर है या जैसे आप अवतार कहते हैं, वो ऐसे उनका ये कहना है, ये ऑर्डर या आदेश है कि वो मुसलमान मुसलमान नहीं है जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ दे, वो मुसलमान मुसलमान नहीं है जो किसी का हक मार ले, वो मुसलमान मुसलमान नहीं है जो किसी को परेशान करे, तो वो हिंसक कैसे हो सकते हैं? और जहाँ तक पत्थर मारने के बाद असल में रामगिरी महाराज ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को भारत से जोड़ दिया। उसने कहा कि बांग्लादेश में मुसलमान इसीलिए हिंदू को मार रहे क्योंकि इनके नबी हिंसक है। भाई बांग्लादेश में यकीनन हिंदू को मारा गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसे भी तो मुसलमान हैं जिन्होंने मंदिर की रक्षा की है, हिंदू के घरों की रक्षा की है। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो बुरे लोगों को देखकर आपको पूरे समाज को गाली देने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छे लोगों को भी देखना होगा। क्या भारत में कोई ऐसा पंडित है जो कहता हो कि हाँ भारत के मुसलमानों ने वहाँ के मंदिरों की रक्षा की है, लेकिन जब एक बुराई आप देखते हो तो आप टूट पड़ते हो। जैसा कि मैं आपको बताऊँ आरजीकर रेप केस में मेन आरोपी कौन है, कौन है मेरा मेन आरोपी बताइए, संजय राव कौन है, मुसलमान है क्या वो, क्रिश्चियन है क्या वो, कौन है वो, वो एक पर्टिकुलर धर्म से, मैं नाम भी नहीं ले रहा, तो क्या भारत को मुसलमान कहा गया कि संजय राव जैसा पूरा कम्युनिटी के लोग बलात्कार? ये नहीं है। निर्भया का बलात्कार हुआ, कितने आरोपी थे? 5-6 थे। कितने थे? सबके सब कौन से समाज के थे? सबके सब हिंदू समाज के। लेकिन आज भी भारत का कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो कहेगा कि नहीं पूरा हिंदू समाज बलात्कारी है, पूरा हिंदू। भाई क्यों बोलेंगे हम लोग? हम लोग जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर समाज के अंदर अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। कोई धर्म को मानता, कोई नहीं मानता है। तो आप देख रहे हो जो आपके धर्म के जो पंडित है वो स्पेसिफिक एक दो दंगाई को पकड़ के कहते हैं कि पूरा मुसलमान पत्थर फेंकता है। अभी मध्य प्रदेश में जो पत्थर फेंकने का आरोप में प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया। भाई अच्छा किसने पत्थर मारा, कोई सबूत देखा आपने, कोई वीडियो आपको मिला? आज़ाद भारत में 70 साल से लेकर आज तक जब भी मुसलमान को आंदोलन खड़ा करेंगे, जब मुसलमान कोई कंप्लेन करने जाएंगे, जब मुसलमान कहीं रास्ते में निकलेंगे, पत्थर को और मारेगा, पूरा मुस्लिम को फंसा दिया जाएगा। अरे भैया पत्थर जिसने मारा हो, हिंदू हो या मुसलमान, उसको पकड़ो, सबूत दिखाओ और उसको सजा दो। लेकिन पत्थर किसने मारा पता नहीं, आपने 150 मुसलमान पर FIR दर्ज कर दी, एक कांग्रेस के नेता के घरों पर बुलडोजर चला दिया, किसने आपको अधिकार दिया? और अगर पत्थर मारने से बुलडोजर चलता है तो फिर झारखंड में जब बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर चला रहे थे तो उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? और जो कुलदीप सिंह सेंगर जिसने उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो बलात्कार किया, उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? जो निर्भया मामले में जो आरोपी जो बलात्कार सिद्ध किए गए, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? यहाँ तक के कठुआ रेप कांड में एक 6 साल के मुस्लिम बच्चे के साथ मंदिर के अंदर बलात्कार किया गया, आपने उसके घर पर तो बुलडोजर नहीं चलाया। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं है। यतीम बनकर 25 करोड़ मुसलमान पड़ा हुआ है जिसका जो मर्जी माता, कोई नबी को गाली देता है, कोई अल्लाह को गाली देता है, कोई इस्लाम को गाली देता है, जवाब देने को नहीं। सुनो पंडितों, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, इस्लाम को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है, 1-to-1 डिबेट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा इस्लाम क्या है, वो भी दलील और एविडेंस के तहत।
अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो फिर तुम्हें एफआईआर झेलना पड़ेगा, और वैसे भी रामगिरी महाराज पर एफआईआर हो चुकी है महाराष्ट्र में। अच्छा एक बात बताइए कि अभी तमाम इस तरह के बयान चले मगर इस पर कोई प्रदर्शन नहीं है, नूपुर ने कहा तो प्रदर्शन था उस पर बहुत ज़्यादा। देखिए नूपुर शर्मा एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है, तो जब कोई एक नेशनल चेहरा हो टीवी डिबेट में जाने के लिए ऑथराइज हो और आप सत्ता में हैं, नूपुर शर्मा की पार्टी तो सत्ता में है, तो अगर सरकार का कोई आदमी इस्लाम पर या दूसरे धर्म पर कोई बात कहेगा तो बात बहुत दूर तक पहुँच जाती है। तो सऊदी अरब और दुबई सब जगह बात फैला और मुसलमानों ने प्रदर्शन किया तो आज क्या हुआ, बीजेपी ने उसे लात मारकर बाहर कर दिया। तो सच्चाई है क्योंकि बीजेपी जानती है इनको गल्फ कंट्री से दुश्मनी नहीं करना है, इसलिए नहीं क्योंकि वो डरता है, इसलिए क्योंकि कारोबार चलता है, वो नहीं चाहता कि कारोबार खराब हो। लेकिन रामगिरी महाराज तो कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं है, एक पंडित है एक पाखंडी है, तो इसके बयान को इतना हाईलाइट करना भी अजीब है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि सीधा डिबेट का दावा करो, जिसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दिक्कत है, इस्लाम से कोई दिक्कत है, मैं मोहम्मद रफीक अंसारी द पॉलिटिकल यूट्यूब मंच से आपको डिबेट का दावत करता हूं। आप आइए ऑनलाइन ऑफलाइन भारत के जिस कोने पर बोलिएगा, डिबेट करने को तैयार हो, आप डिबेट करिए, आप प्रूफ से साबित कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत है। अगर आप साबित नहीं कर सकते तो आप मुसलमान बन जाइए, मैं साबित नहीं कर सकूंगा तो मैं दिफा करना छोड़ दूंगा, सिंपल सा चीज़ है। एक सवाल है मेरा कि अभी जैसे पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो महाराष्ट्र की सरकार ने बुलडोजर नहीं चाहा, हालांकि महाराष्ट्र में अभी 2-3 दिन में कई सारे रेप की घटनाएं सामने आई है, बदलापुर का आया है एक और जो है जो व्यक्ति मतलब सजा काट के आ रहा था उसने भी रेप की जैसी घटना की है, तो उस पर कुछ बुलडोजर नहीं चल रहा। देखिए हम लोगों ने देखा है कि खासकर जब कोई मुस्लिम समाज में कोई खराब व्यक्ति कोई गुनाह या कोई क्राइम करता है या सिर्फ शक के घेरा में आ जाता है तो उसके घर में बुलडोजर चलता है। क्यों? क्योंकि ना उसका कोई नेता ना कोई पार्टी ना कोई सरकार है। अब यहाँ पर आप देखो कि अप्रोक्सीमेटली जितने भी बलात्कार के केसेस हैं उन तमाम केसों में जो आरोपी है उसका कनेक्शन पॉलिटिकल नेता से है, वो किसी न किसी पार्टी का दलाल है, किसी न किसी नेता का दलाल है, इसीलिए जब वो बलात्कार करता है तो सब टूट पड़ते हैं उसे बचाने के लिए। तो भैया जो जो आपके पार्टी का कार्यकर्ता है और वो बलात्कार करे तो आप उसके घर में क्या बुलडोजर चलाएंगे? कुलदीप सिंह सेंगर के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो कौन था आप जानते हैं? बताइए कौन था? कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का सिटिंग एमएलए था वो। भाई एक बीजेपी का विधायक उत्तर प्रदेश में एक लड़की का बलात्कार करता है, बलात्कार के बाद लड़की के बाप को थाने में मार दिया जाता है, लड़की के भाई को भी मार दिया जाता है, फिर भी कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरा बीजेपी कूद पड़ती है और आज भी उसका घर में बुलडोजर नहीं चलता है। तो यकीनन जो सत्ता में है क्रिमिनल को उसका संरक्षण है, और जिसका कोई नेता नहीं है कोई पार्टी नहीं है तो उसको जो चाहे बुलडोजर चला दे रहा है। आपके पास पावर नहीं इसलिए आपके घर में बुलडोजर चल रहा है। जिस दिन आप एकजुट हो जाओगे 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाएगा तो बुलडोजर कोई पत्थर भी नहीं मार सकेगा। एक सवाल है, कंगना रनावत का नाम सुना है? हाँ सुना, एक वाहियात अभिनेता है, बोलिए। कंगना रनावत ने कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तमाम लोग रेपिस्ट और बलात्कारी थे। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? सरकार के खिलाफ, किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहे। तो देखिए प्रोटेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, प्रोटेस्ट वो करता है जिसके अंदर गट्स होती है, हिम्मत होती है, जिगरा होता है, उसके खून में ऐसे बाप दादा खून मिला होता है जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में प्रोटेस्ट किया हो। कंगना रनावत जिसको अपना आदर्श मानती है उन्होंने तो अंग्रेजों के जूते चाटे हैं, तलवे चाटे हैं, इसीलिए प्रोटेस्टर की इज्जत करना उनको नहीं आता है। सावरकर का नाम सुना होगा जो कहते हैं वीर सावरकर है, भाई उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, जूते चाटे हैं। तो इनको जो आदर्श मानते हैं वो कहते हैं कि इन्हें प्रोटेस्ट करने वाले बलात्कारी है। भैया किसान के अंदर सिख समाज के अंदर एक पावर थी, एक गढ़ थी, जज्बा थी। आज के वक्त में जो मोदी सरकार जो बिल लाना चाहती ले आती है, लेकिन जब किसान का बात है तो मोदी को वो बिल वापस लेना पड़ा। यानी मोदी ने पहले थूका फिर उसको चाटा। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों के अंदर वो ताकत थी, अब उसको वो चीज़ नहीं अच्छा लग रहा, वो खुद बीजेपी के MP है तो उसे तो समझना ही पड़ेगा ना जब आप कोई बयान देते हो। इसीलिए मैंने कहा कि वो कौन है, वो वाहियात अभिनेत्री है। बहुत सारे बॉलीवुड में कलाकार है, भारत में बहुत सारे सांसद और MLA है, लेकिन किसी का चरित्र ऐसा होता है कि आप उसके बारे में इज्जत से बात नहीं करते हैं। अगर वो किसान की इज्जत करेगी तब हम लोग उसका इज्जत करेंगे, अगर वो नहीं करेगी तो हम लोग भी नहीं करेंगे। कह रहे कि अगर सरकार अगर नहीं होती, अगर मोदी सरकार नहीं होती तो हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन हुआ है वो तो ये हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बन जाता अगर मोदी सरकार मजबूत नहीं होती। हाँ तो मोदी सरकार तो 2014 में आया, तो 2014 से पहले भारत बांग्लादेश बना? नहीं बना। जब से मोदी सरकार, आपको तो बांग्लादेश का मुद्दा बोलकर भारत में मुद्दा को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। रियल बात यह कि जब से मोदी जी देश के PM बने हैं सिंह 2014 से लेकर 2024 तक, इस बीच में चाइना नाम का एक देश है, शायद आपको भूल गए, वो हमारा पड़ोसी देश है, वो लद्दाख में भी ज़मीन कब्जा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी ज़मीन कब्जा कर रहा है, कश्मीर तक में उसकी नज़र है और वो काफ़ी हेक्टर ज़मीन कब्जा कर चुका है। सैटेलाइट की इमेजेस बता रही है कि हमारा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो चाइना के साथ जुड़ता है, और LOC जो पाकिस्तान के साथ जुड़ता है, तो जो चाइना के साथ जुड़ने वाला जो बॉर्डर है उस पर बाज़ाब्ता चाइना ने गाँव बसा लिया है। अब मोदी जी 2014 से बोलते हैं कि
हमें चाइना को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। अरे भैया कम से कम पीला आंख तो देखा, लाल आंख तो तेरे अंदर है ही नहीं, तो पीला ही आंख दिखाते चाइना को। हमारे पास आर्मी है, फोर्सेस है, नेवी है, एयर फोर्सेस है, लेकिन चाइना जमीन कब्जा करता जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, आरएसएस को, हिंदू युवा वाहिनी को, तुम कहते हो भारत माता की जय, मुसलमान नहीं बोलते। भैया हम तो भारत को माता ही नहीं मानते, हम भारत से मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर वो पाखंड नहीं है। तुम माता मानते हो और उसी भारत माता की जमीन पर चाइना की नापाक कदम पड़ा हुआ और तुम खामोशी से तमाशा देख रहे हो। तो ये जो संगठन जो मैंने नाम लिया, सरकार के दलाल है। अगर ये वाकई में भारत को माता मानते तो बीजेपी के खिलाफ रोड पर उतर आते और जो चाइना अपना नापाक कदम हमारी जमीन पर रख चुका है उसे हटाते। तो जाकर देखो अरुणाचल प्रदेश में पार्लियामेंट में वहाँ के सांसद ने कहा है कि चाइना ने कब्जा किया है, गांव का नाम बदल रहा है। योगी जो सीएम योगी है, जो यूपी का नाम बदल रहा है, जो गुजरात का सीएम है गुजरात का नाम बदल रहा है, उत्तराखंड का सीएम उत्तराखंड का नाम बदल रहा है। चाइना भारत की जमीन कब्जा करके भारत के गांव का नाम बदल रहा है और इस पर किसी का कोई नोटिस नहीं है। तो भारत के हिंदुओं, बीजेपी तुम्हें मूर्ख बना रही है। हिंदू मुसलमान को एक साथ आना होगा, इस सत्ता को उखाड़ना होगा और एक नई सरकार बना के चाइना को भारत से बाहर बनाना होगा। ये देश का असल मुद्दा है। उसने कंगना ने ये भी कहा था बीच में कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ। भैया 2014 बाद जाहिर है कि कंगना रनौत कौन सी यूनिवर्सिटी थी, हम तो नहीं पढ़े। असल में हम ऐसे नेता को हमें वोट देना चाहिए जो अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़ो, जैसे ओवैसी साहब है, राहुल गांधी सब पढ़े लिखे नेता है। अब कंगना रनौत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आई है, अब वहाँ के लोगों ने उनको क्यों वोट दिया मुझे तो नहीं पता। अब जब से अच्छा जीते हुए मोटा मोटी एक साल होने वाला है, कंगना रनौत को चार महीना हुआ है। चार महीने में कोई स्कूल का बुनियाद रखा, कोई कॉलेज का बुनियाद रखा, कोई हॉस्पिटल का बुनियाद रखा, कोई क्लिनिक का बुनियाद रखा, कोई सड़क बनाया, कोई साफ सफाई का अभियान चलाया, औरतों के लिए कुछ बात नहीं किया है। चार महीने से जीते हुए हो गए, अब ये देख रही चार महीने से तो हो गए, पब्लिक सवाल ना उठा दे तो चलो कोई ऐसा मुद्दा उठा दो कि पब्लिक आपस में लड़ने लग जाए। तो हिमाचल प्रदेश से जीती हुई है ना, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले मंडी के लोगों अपने सांसद से पूछो कि हिंदू मुसलमान हमें मत सिखाओ, तुम चार महीने से तुमने क्या काम किया वो बताओ, जिस मुद्दे को तुमने वोट लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, तुमने क्या किया तुम वो बताओ, बस तभी सब काम सीधा हो जाएगा। सवाल आखिरी है कि अभी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ममता बनर्जी से रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है रेप केस पर, पूरे देश भर में रेप हो रहा कोई दिक्कत नहीं, बंगाल में एक घटना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, तो ममता पूरा जिम्मेदार कैसे होगा? देखिए जो भी दुर्घटना होती है हमारे भारत में तो एक दुर्घटना को दूसरे से जोड़ना गलत है, पहला बात। हाँ आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बंगाल में हॉस्पिटल के हालात भी काफ़ी ख़राब है, तो चूंकि ममता बनर्जी होम मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी खुद सीएम भी है, ममता बनर्जी खुद हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो आपके हेल्थ मिनिस्ट्री में रहते हुए एक हॉस्पिटल का सीसीटीवी का कैमरा काम ना करना, एक प्रिंसिपल का वाहियात बयान देना, फिर उस प्रिंसिपल का प्रमोशन कर देना, तो रिज़ाइन देना तो बनता है। लेकिन ममता बनर्जी अकेले रिज़ाइन क्यों देगी? ममता बनर्जी को रिज़ाइन देकर शुरुआत करनी चाहिए कि देखो मोदी जी, जैसे मैं एज अ बहसियत हेल्थ मिनिस्टर और सीएम एक बलात्कार पर रिज़ाइन दे रही हूँ, तो आपके रहते हुए तो गुजरात में दंगा हुआ, बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया, तो आप कैसे बेशरम नेता जो आप रिजाइन नहीं दे रहे हैं? तो ममता बनर्जी को भी रिजाइन करना चाहिए। जिस स्टेट में कोई अगर सीएम बलात्कारी को बचाने की कोशिश करता है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, वहां के सीएम को भी रिजाइन कर देना चाहिए। तो ममता बनर्जी को भी रिजाइन करना चाहिए और बलात्कार होने वाले हर राज्य के सीएम को रिजाइन करना चाहिए। फिलहाल मामला तो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन है कि जब आरजीकर का प्रिंसिपल संदीप घोष, वो वहाँ का प्रिंसिपल है, उसके रहते हुए एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसके रहते हुए एक सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है, वहाँ का कहाँ है सीसीटीवी कैमरा, जब उसने रिजाइन किया हाईकोर्ट के कहने पर, फिर ममता बनर्जी की सरकार ने उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया? ये एक सवाल है, ये ऐसा नहीं कि जिसको मैं इग्नोर कर दूँ। देखिए मैं एक मुसलमान हूँ, मैं खुद भी बंगाल में रहता हूँ, मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता हूँ। मेरी नज़र में भारत में कोई मुसलमान का नेता नहीं है, और अगर भारत की बात है तो मैं अबू जहल को हराने के लिए अबू लहब का साथ नहीं दे सकता हूँ। अबू जहल भी गलत है, अबू लहब भी गलत है, उत्बा बिन शेबा और रबिया सब गलत है, क्योंकि सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। उसी तरीके से आज भी ना मैं मोदी के साथ हूँ, ना ममता के साथ हूँ। अगर यहाँ पर किसी के रहते हुए बलात्कार होता है और आप सजा नहीं दिला पाते, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। फिलहाल ये मामला सीबीआई में है, सेंट्रल सरकार के हाथों में है। सीबीआई तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई काम की संस्था है, जो भी केस हो सीबीआई को दे दो। सुशांत राजपूत का केस सीबीआई, तो कौन सा केस सॉल्व कर लिया उसने? सीबीआई के पास मोटा मोटी केस सॉल्व नहीं होता है, अगर यहाँ की पुलिस से नहीं हुआ तो सीबीआई से भी होने वाला नहीं है। फिर भी अगर दोषी अकेला संजय रॉय है या उसके साथ और भी लोग हैं, सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और इस्लामिक लॉ के हिसाब से दिलाया जाए। भारत में मैं पूरा शरिया नहीं लाना है भाई, मैं नहीं कहता हूँ कि भारत को इस्लामिक राज बना लूँ, मैं नहीं चाहता हूँ और ना ही मेरी ऐसी ख्वाहिश है, लेकिन
जब क्राइम की बात आएगी तो एक जो रेप का मामला है कि जो बलात्कार करेगा उसे सबूत के साथ रोड मिलाकर जज के जजमेंट के साथ तमाम लोगों के सामने उसका सर अलग कर दिया या फांसी दिया चाहिए। जब लोग एक बलात्कारी को मरते हुए दिखेंगे, तड़पते हुए दिखेंगे, तो उन लोगों के अंदर बलात्कार करने की जज्बा खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि एक मामले में, कम से कम एक मामले में शरिया कानून, और वैसे भी शरिया कानून से नफरत क्यों है? क्या हिंदू समाज के लोगों ने इस्लामिक कानून को नहीं लिया है? आपको पता नहीं है हिंदू धर्म के अंदर तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 7 जन्म तक अगर आपका कोई हस्बैंड है तो वो 7 जन्म तक है, वो आपको मारे पीटे कुछ भी करे, आपको उसी के चरणों पर पड़ा रहना है। लेकिन जब हिंदू समाज के लोगों को पता चले कि नहीं ये गलत है, तो इस्लाम का जो तलाक का कानून उन्होंने अपनाया है, तो अगर आप तलाक के कानून पर अपना सकते हैं तो एक कानून पर क्यों नहीं अपना सकते आप? तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए।